तर राजस्थानातल्या नागौरमध्ये झालेल्या प्रतिनिधी सभेनंतर बोलताना सहकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी शनिशिंगणापूर आणि जेएनयूच्या वादावरही संघाची भूमिका स्पष्ट केली. महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दल मंदिर व्यवस्थापनाच्या मनात काही चुकीची मतं असतील तर ती चर्चेनं बदलायला हवीत असं भैयाजी जोशींनी म्हटलंय. तर जेएनयूमधल्या देशविरोधी घोषणांचा संघ निषेध करत असल्याचं ते म्हणालेत. असा कार्यक्रम एखाद्या विद्यापीठामध्ये होणं हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मंदिरों के प्रवेश की क्या बात है, आज हम मैं कई स्थानों पर देख रहा हूँ कि महिलाएं वेदाध्ययन करती है, महिलाएं पौरोहित्य करती है, महिलाएं सब प्रकार के धार्मिक कृत्य करने में आगे हैं, प्रवचनकार सन्यासिनी महिलाएं इस देश के अंदर है, तो कहां पर किस प्रकार का विरोध है? परंतु कहीं एक अनुचित परंपरा कहीं पर चल पड़ी है. मैं समझता हूं कि इस अनुचित परंपरा को समझदारी के स्तर पर संवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा उसको दूर किया जाना चाहिए, न कि कानून का डंडा चलाकर. देश के टुकड़े करने की बात जहां नारे लगाए जाते हैं, ऐसे समूह जिसका उसका नेतृत्व तो करने वालों को हम क्या कहें? कानून कानून का काम करेगा, गिरफ्तारी हुई. अब हो सकता है कोई कहे कि इन्होंने नारे नहीं लगाए, कानून के दायरे से शायद बाहर आ सकते हैं, मालूम नहीं आएंगे कि नहीं. लेकिन सोचना यह चाहिए कि इस प्रकार के वातावरण को पनपने किसने दिया है, का पोषण किसने किया है, और ऐसे विश्वविद्यालय के परिसर अगर ऐसे देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बनते हैं तो ये मैं समझता हूं कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एक सोचने का, चिंता का विषय बनना चाहिए. सी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.